नमस्कार यारो, मैं हूँ रॉकी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और फाइनली भाई रेड का ब्रिज खुल चुका है आफ्टर 2 इयर्स 3 मंथ के बाद, क्योंकि 2018 को दुर्घटना हुआ था ये भाई रेड ब्रिज में, वो सितंबर 4 था और आज दिसंबर 4 है। तो 2 साल 3 महीने के बाद ये खुल चुका है। कल खुला है 5 बजे और वो रहा सामने ब्रिज। तो लास्ट ईयर एक्सीडेंट होने के कारण एक दो जन ने अपना जान गवाया था इस वजह से, और बहुत जन इंजर्ड भी हुए थे और एक बस भी गिर गया था। तो इंजर्ड बहुत जन हुए थे, तो इंजर्ड बहुत काफ़ी सारे लोग हुए थे और जान से हाथ धोना पड़ा दो जन को। एंड देयर इट इज, ये रहा सामने का ब्रिज। तो ये केबल ब्रिज बनाया है, पहले नॉर्मल ब्रिज था, अभी ये केबल ब्रिज है। और जो पहले ट्रम लाइन जाता था उसको भी उठा दिया है, अब ट्रम लाइन नहीं है जैसे कि अभी देख सकता हूँ। फाइनली ब्रिज बन के रेडी है, उद्घाटन हो चुका है। एंड हियर वी गो। थोड़ा आस्ते आस्ते जाता हूँ। तो ये है ब्रिज, केबल ब्रिज बनाया है विद्यासागर सेतु की, थोड़ा सा दिखने में उस तरह देखने में लग रहा है। एंड उस तरफ वाला जो लेन है वो लग रहा है शायद वॉकिंग लेन है, तो देख नहीं पा रहा हूँ इस तरफ क्योंकि गार्ड वॉल है। तो दोबारा फिर से मैं घूम कर आऊँगा, यू लेकर फिर से आऊँगा। आई थिंक वॉल के बाद वो वॉकिंग लेन है और मेट्रो का काम अभी भी चल रहा है। तो ब्रिज बहुत ही बढ़िया बना है और इस ब्रिज का नाम जैन ब्रिज दिया है। जी हाँ, जैन ब्रिज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनुसरण करते हुए उनका नाम, इस ब्रिज का नाम जैन ब्रिज दिया है। तो मैं क्विकली व्यू लेकर फिर से आता हूँ, व्यू लेने के बाद फिर से देखेंगे इस फ्लाईओवर को। तो यहाँ से ही मैं घूम लेता हूँ, कोई तो है नहीं। तो ब्रिज होते होते 2 साल 3 महीने लग गए, पूरा एग्जैक्ट 2 साल 3 महीने। तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत तकलीफ होता था यहाँ पर जाने में, क्योंकि ये ब्रिज को आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ कोलकाता कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स सब उसको कनेक्ट करता है। यहाँ से आदिपुर जू जाने में बहुत नज़दीक पड़ता है, बड़ा बाजार जाने में नज़दीक पड़ता है, इसलिए इस ब्रिज को आप हार्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्टर है ये ब्रिज। थैंकफुली ये कंप्लीट हो गया है, उद्घाटन हो गया है। तो जिस किसी को भी गाइस अगर आना हो तो यहाँ पर अभी आ सकते हैं, और जाने का जो डिस्टेंस है ट्रेवल टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट रूट से पहले जाना पड़ता था, 2 साल लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। इसका अल्टरनेट रूट चेतला का रूट पकड़ना पड़ता था, बिहाला का रूट पकड़ना पड़ता था। तो बहुत ही दिक्कत और तकलीफ से 2 साल 3 महीने कटे कोलकाता वासियों का। तो नाउ इट्स रेडी, तो अब झमेला खत्म। तो एंजॉय गाइस,
तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये नीचे इंट्री के नीचे है माजरा स्टेशन, माजरा स्टेशन है। पहले इस ब्रिज में भी ट्रम लाइन था, नाउ अब नहीं है। और ये रहा चेतला का रास्ता, पहले इस रास्ते को पकड़ के जाना पड़ता था टॉलीगंज निवालीपुर, नाउ अब ये नहीं है। तो गाइस दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा गाइस। और ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो को पहले देखने के लिए। धन्यवाद।